बात रूठे हुए की नहीं है जी, पार्टी की सीनियर लीडरशिप में आते हैं, लेकिन बात यह है कि आज पार्टी का कार्यकर्ता वाकई बहुत रूठा हुआ है। वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसको ऐसे लग रहा है जैसे अब चंडीगढ़ कांग्रेस अंदर भी आरक्षण होने लगा, जैसे पहले होता था ना कि 60% पंजाब का अफसर लगता था, 40% हरियाणा का लगता था। तो आज लोगों को ये लग रहा है कि उनके ऊपर पंजाब से बाहर से ला करके जो वर्कर है वो थोपा जा रहा है। जिन लोगों ने यहाँ 25-25 साल मेहनत की है, जो यहाँ लोगों की नब्ज़ को जानते हैं, जो चंडीगढ़ की जरूरतों को जानते हैं, चंडीगढ़ की मांगों को जानते हैं, चंडीगढ़ के लोगों को जानते हैं, उनको इग्नोर करके दूसरे लोगों को आगे किया जा रहा है। तो सिर्फ लोगों की यही नाराजगी है, यही मांग है कि जो लोकल वर्कर है, जिन्होंने इतने साल काम किया है, जो कौंसलर साहबान है हमारे यहाँ चुने हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, यूथ कांग्रेस है, रीढ़ की हड्डी होती है पार्टी की, यूथ कांग्रेस का सिर्फ एक प्रेसिडेंट वहाँ जा रहा है, बाकी सारी यूथ कांग्रेस देखोगे आप, दीपक लुपाना उनकी सारी टीम, उनके सारे जिला प्रधान वार्ड प्रधान आज यहाँ महसूस है, NSUI के अध्यक्ष भाई सचिन गालव जी उनकी टीम यहाँ महसूस खड़ी है। तो मतलब पार्टी कहाँ पर है, पार्टी का जो एक बड़ा वर्ग है, पार्टी की 60% की जो स्ट्रेंथ है वो आज घर बैठी हुई है या यहाँ बैठी हुई है। तो ये प्रोग्राम का मकसद ये था कि इनकी इन्हीं वजहों से, जैसे कुछ नेता क्या कहते हैं कि पार्टी छोड़ के जाना चले जाओ, उनको मनाया नहीं जा रहा, उस वजह से रोज ही कुछ ना कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो आज इस मीटिंग को बुलाने का मकसद ये भी था कि सभी साथियों के मन से बात की जा सके, उनके मन की बात जानी जा सके और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके ताकि वो पार्टी ना छोड़े। गाभी जी एक बात मैं कह रहा था, तिवारी जी के साथ हमने कोई भी लोकल पता नहीं देखा, जैसे आप कह रहे हैं पंजाब से आउटसाइड से आ रहे हैं, ये हम भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो लोकल कार्यकर्ता को बड़ा नज़रअंदाज भी किया जा रहा है, वो एक अपनी ईगो में भी है ये देखा जा रहा है, और कार्यकर्ता की भी ये आवाज़ है, उसके खिलाफ क्या करेंगे, क्या तिवारी जी को आना नहीं चाहिए? देखिए मेरी जब तिवारी जी से मुलाकात हुई, हमारे कुछ साथियों की हुई, तो हमने उनसे ये कहा आपको परिवार का मुखिया बन के चलना पड़ेगा, आपको परिवार के सभी साथियों को सभी लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर कुछ परिवार के साथी आज नाराज़ हैं, वो इस करके नाराज़ हैं कि उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है समाज के अंदर, उनका अपना एक मान सम्मान है समाज के अंदर, उनकी एक जगह है। अगर आप उनको उनका बनता मान सम्मान नहीं देंगे, आप उनको उनकी जगह नहीं देंगे, आप उनकी प्रतिष्ठा का मान नहीं रखेंगे, तो वो घर बैठा रहेगा, उसका नुकसान क्या होगा कि वो पार्टी हार जाएगी। लेकिन आपको एक मुखिया की तरह, एक पिता की तरह पार्टी को सींचना चाहिए। हमने माननीय अध्यक्ष साहब से भी ये कहा कि आप बयान दे देते हैं कि पार्टी छोड़ के चले जाओ, ये नहीं चलेगा। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कैसे जोड़ा जाता है ये हमसे पूछ के देखो, 25 साल हो गए हैं कॉलेज टाइम से मैं यूथ NSUI से जुड़ा, और पहला बंदा था जिसने NSUI की सीट निकाल दी एज ए प्रेसिडेंट SD कॉलेज के अंदर, और आज भी सदन के अंदर हम लोग लड़ते हैं, वो लोग नहीं लड़ते जो पंजाब से उठ करके यहाँ आए हैं। ये मनीष तिवारी जी को समझना पड़ेगा कि वो कार्यकर्ता जो दिन रात आपके लिए मेहनत करता है, वो कार्यकर्ता, जैसे सचिन जी ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है, वो सिर्फ 1 जून तक काम नहीं करेगा, तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। हमारी कोशिश यही है कि लोग पार्टी छोड़ के ना जाएं। मैं सैनी साहब से मेरी आज बात हुई, मेरी कल पवन जी से भी बात हुई, हमने पूरी टीम उनके ऊपर लगा रखी थी कि उन्हें किसे मनाया जा सके, लेकिन जब बंदे के मन में इतनी टीस घर कर जाए कि उसको लगे यार मेरे को तो पूछा जाना ही बंद हो गया, तो उसको निकालने के लिए आज ये प्लेटफॉर्म तैयार किया हमने। इस प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे सचिन भाई ने या दिलावर जी ने बोला कि भी ये हमारा काम नहीं था रूठों को मनाना, ये प्रधान जी का काम था, ये हमारे प्रत्याशी का काम था। देखिए हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हर एक कार्यकर्ता, ये लड़ाई शायद भाई गुरप्रीत गापी या भाई दिलावर जी या भाई मेरी सचिन गालो की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर कार्यकर्ता की, हर कांग्रेस की, उस कार्यकर्ता की जो महसूस करता है ये हमारी पार्टी है। पार्टी कोई बरसाती डड्डुओं से या किसी एक महीने काम करने वाले लोगों से नहीं चलेगी, पार्टी 365 दिन काम करने वाले लोगों से चलेगी। हमने जैसे बताया ना, हम पार्टी के खिलाफ है ना प्रत्याशी के खिलाफ, जो पार्टी का हाईकमांड का जो डिसीजन है हम उसका वेलकम करते हैं, हमें इस बात की कोई आपत्ति नहीं, पर शायद चुनाव जिस तरीके से लड़ना चाहिए, जिस तरीके से हमें कार्यकर्ताओं की इज्जत करनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर नाराज़ हैं, उनको मनाने का काम पार्टी की हाईकमान का था, पार्टी को मनाना चाहिए, और हमने ये जिम्मेवारी ली, भाई गुरप्रीत गापी ने जिम्मेवारी ली है, हमने सभी ने ये डिसाइड किया कि हम हर एक कार्यकर्ता के घर जाएंगे जो नाराज़ है, जो पार्टी के साथ जिसकी नाराजगी, जिसने 365 दिन काम किया, हम उसके घर जाएंगे, जो पार्टी छोड़ के भी गए उन लोगों के भी घर जाएंगे, उनको भी वापस लाने का काम करेंगे, और आगामी दिनों में अगर किसी की नाराजगी भी है तो हम मिल बैठकर बात करके उस नाराजगी को दूर करने का कार्य करेंगे, और पार्टी के थे, पार्टी के हैं, और आगे भी पार्टी के ही रहेंगे।